आज संडे के वाले एपिसोड में करण जौहर ने प्रतीक सहजपाल की खूब लगाई फटकार, वो भी नेहा भसीन के वजह से। क्या हुआ ऐसा, क्या किया प्रतीक ने, आइए जानते हैं। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल गपशप को सब्सक्राइब कर ले। करण जौहर का कहना है कि प्रतीक जल्दी वायलेंट हो जाते हैं, चीजें तोड़ने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बिग बॉस को चैलेंज करने लगते हैं। अगर प्रतीक के हिसाब से चीजें ना हो तो वो भड़क जाते हैं बात बात पर। फिर प्रतीक उस दिन क्यों नहीं भड़के जब नेहा भसीन के वजह से ऑटो रिक्शा वाला टास्क रद्द हुआ था। करण जौहर का कहना है कि प्रतीक के हिसाब से अगर टास्क ना हो तो प्रतीक भड़क जाते हैं और टास्क रद्द कर देते हैं। इस बात को लेकर प्रतीक सहजपाल ने करण जौहर को अपनी ओर से खूब सफाई देने की कोशिश की, लेकिन करण जौहर शांत नहीं रहे। साथ ही करण जौहर ये भी कहते हैं कि टिकट टू फिनाले टास्क प्रतीक सहजपाल ने जानबूझकर रद्द किया। राकेश और दिव्या इतनी मेहनत से यहां तक पहुंचने के बाद उन्हें कुछ रिजल्ट नहीं मिला। साथ ही करण जौहर ये भी कहते हैं कि टिकट टू फिनाले वाला टास्क प्रतीक ने जानबूझकर रद्द कराया था, क्योंकि वो टास्क प्रतीक के हिसाब से नहीं हुआ था और प्रतीक के वजह से राकेश और दिव्या जो इतना आगे पहुंच चुके थे उन्हें उस टास्क का रिजल्ट नहीं मिला। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, करण जौहर ने प्रतीक सहजपाल को लेकर जो भी बातें कही वो सही थी, उससे आप सहमत हैं? कमेंट कर हमें बताइएगा जरूर। बिग बॉस 15 बिग बॉस OTT के हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल गपशप को।